हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये प्यारा सा कोस्टर। ये देखिए, ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमने क्रोशे का हुक लिया है वो हमारा 3 mm का है। हम मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, 3। और इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया करने हैं। तो पहला डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन हो गए हैं, तो हमें 11 डबल क्रोशिया करने हैं। एक 11 डबल क्रोशिया करेंगे हम, टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। 2, 3, 4, ऐसे हमें 11 कर लेने हैं। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस रिंग को छोटा कर लेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1, 2, 3 इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं पे फिर से 3 चेन बना लेंगे और इसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें क्या करना है, हर स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारी पहली 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम आगे भी ऐसे हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करते हुए जाना है हर स्टिच में, तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ऐसे आपको ये सर्कल पूरा कर लेना है। ये देखिए, ऐसे आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे 1, 2, 3rd वाली चेन में से। अब फिर से हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे और इसी पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक सिंगल मतलब 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमें पूरा एक एक बढ़ाना है। हमने जैसे हम पिछली बार हमने 2 बढ़ाए थे, तो इस बार हमने एक एक बढ़ाना है। 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे 1, 2, 3rd में, तो 3rd चेन थी हमारी। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब फिर से हम यहीं पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया करे थे ना, 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2। अब हम करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे ये।
अब हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, उसे नेक्स्ट में भी हम एक करेंगे, फिर हम दो करेंगे और उसके बाद एक एक दो बार करेंगे। ऐसे हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब तीन चेन, एक दो तीन, अब इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट में, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, अब हम नेक्स्ट स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन। अब हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब हम एक एक तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिचेस में, नेक्स्ट थ्री स्टिचेस में, ये सेकेंड वन और ये थर्ड वन। ऐसे हमें ये पूरा अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच हम निडल की हेल्प से करेंगे। थोड़ा सा बड़ा धागा रख के हमें कट कर लेना है। ये देखिए ऐसे ले गए हम। ये देखिए ऐसे क्लीन हमारा स्लिप स्टिच हो जाता है जब हम लास्ट में करें। ये देखिए पता भी नहीं चल रहा हमने कहाँ से स्लिप स्टिच किया है। फिर इस धागे को पीछे हाइड कर लीजिए आप। अब हम कलर चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी स्टिच से इंसर्ट किया, एक चेन बनाई और फिर सिंगल क्रोशिया किया सेम स्टिच में। ये देखिए अब हम तीन चेन करेंगे, एक दो तीन। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड जो चेन है धागा लिया, ये देखो लूप में लिया, थर्ड चेन में भी धागा लिया लूप में लिया, तीन हो गई। अब जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसके लूप से हमने लेना है, चार हो गई। अब जहाँ से हमने किया था चेन में से उसमें से लिया, पाँच हो गई। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में से लेना है, छः हो गई। अब हमें धागा लेके एक साथ छः में से एक साथ निकाल देना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, दो चेन करेंगे, वन टू। अब सेकंड चेन में से लिया,
अब देखना ये देखिए, फिर सिंगल क्रोशिया जो हमारा था उसमें से लिया, फिर हमने उसी चेन में से लिया जिसमें हम काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टिच में से लिया। ये हमारी 3 और 3 6 हो गए, एक साथ हमने इनको निकाला और फिर 2 चेन कर दी। अब दोबारा से देखिए, सेकंड ये फर्स्ट चेन है, ये फर्स्ट चेन है, ये सेकंड चेन है, तो हमने सेकंड में से निकाला धागा और लिया लूप में। ये देखो क्रोशिया पे लिया 3, चार, इसी में से लिया 5, नेक्स्ट में से लिया 6, इनको एक साथ निकाला। ये देखिए कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा हमारा, फिर 1 2, फिर दोबारा से देखिए सेकंड चेन में से धागा लेके लिया, ये देखिए, ये देखिए, फिर नेक्स्ट स्टिच में से लिया, ये हमारे 6 हो गए और उनको एक साथ निकाला 1 2। ऐसे आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है, मैं आपको पूरा राउंड करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट में हमने ये बनाया तो इसमें हम लास्ट में अब 2 चेन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए 1 चेन बना के कट कर देंगे इसको, और फिर इस थ्रेड को हम पीछे हाइड कर देंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये कोस्टर पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ये देखिए बनके तैयार हो गया। ये आपको पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।